नमस्कार, आप देख रहे हैं वी टाइम न्यूज। बढ़ते हैं झारखंड की खबरों की ओर। गुमला मुख्यालय से 5 किलोमीटर दूर पर स्थित डुमरी डी में श्री श्री महारुद्र सहस्त्र चंडी महायज्ञ का आयोजन किया गया, जिसमें राज्य से पहुंचे दूर दराज से हजारों की संख्या में श्रद्धालु यज्ञ स्थल पहुंचकर पूजा अर्चना किए। वही 11 दिवसीय आयोजित महायज्ञ रविवार को देवी देवताओं का सामूहिक पूजन हवन पूर्णाहुति के साथ चल रहे 11 दिवसीय महायज्ञ संपन्न हुआ। इस दौरान विशाल भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में लोग शामिल हुए और प्रसाद ग्रहण किए। 11 दिनों तक चल रहे महायज्ञ के दौरान धार्मिक अनुष्ठान में लोगों ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया और परिवार सहित क्षेत्र की सुख समृद्धि की कामना की। वही एक दिन पूर्व शनिवार को सामूहिक कन्या पूजन किया गया। बता दें कि महायज्ञ में गुमला जिले के अलावा बिहार, बंगाल, ओडिशा और राज्य के आसपास क्षेत्र से श्रद्धालु पहुंचे। वही प्रत्येक दिन संध्या में भजन कीर्तन का आयोजन भी किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए, जिससे पूरा वातावरण भक्तिमय बना रहा। इस दौरान श्रद्धालुओं ने सुख शांति की कामना की। मौके पर मुख्य रूप से योगाचार्य सतीश शास्त्री, शांतेश्वर पांडे, दीनानाथ मिश्रा सहित अन्य लोगों की महत्वपूर्ण भूमिका रही। श्री श्री रुद्र सहस्रचंडी एकादश दिवसीय हवनात्मक यज्ञ यज्ञ स्थल उर्मी रमई डुमरडी में आयोजित किया गया था। इसके प्रेरणा स्रोत रहे हैं ब्रह्मलीन कर्मयोगी बाबा शिव संभव जी महाराज उदासीन के द्वारा कराया जा रहा था और उन्हीं के निमित्त यह 84वां यज्ञ संपन्न हुआ आज पूर्णाहुति के साथ में। और विश्व कल्याणार्थ ऐसे यज्ञ बार बार होते रहें, यही शुभकामना के साथ में सभी भक्तों को आशीर्वाद दिया गया।